गाडी चालवायची भीती वाटते. गाडी चालवणं सोडून द्या, भीती नाही वाटणार. टेन्शन घेऊ नका, मी मस्ती करतोय. डरिए मत, मैं मजाक कर रहा हूँ. दोस्तों आपको भी पता है कि मैं आपको कभी ऐसे डीमोटिवेट नहीं करूँगा. आपके मोटिवेशन के लिए मैं हर वक्त वीडियोज़ जो है वो बनाते रहता हूँ. अगर आपने वो मोटिवेशन वाला वीडियो जो है वो मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि आपको जो है वो काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलेगा. कार ड्राइविंग ही नहीं बल्कि कोई भी चीज़ पूरी करने के लिए आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन उससे ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा है. तो दोस्तों आप अगर चाहते हो तो ये वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद वो वीडियो देख सकते हो ऊपर आई बटन में क्लिक कर, या फिर अभी क्लिक कर वीडियो वो देख सकते हैं. लेकिन दोस्तों वो वीडियो अभी ना देखिए, क्योंकि अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हमें अपना जो ड्राइविंग का फियर है वो कैसे कम करना है. तो चलिए दोस्तों कहीं पर बैठ लेते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से डिटेल में बात करते हैं. दोस्तों अगर आपको वॉइस क्वालिटी जो है वो ठीक से नहीं आ रही होगी तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा है, उसकी वजह से शायद जो वॉइस क्वालिटी है उसमें दिक्कत आ सकती है. मुझे पता नहीं कैसी आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ, प्लीज़ समझ कर ले लीजिए. दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, कि हमारा टॉपिक है कि हमें अपना जो डर है उसे कम कैसे करना है. दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो डर है वो एक इमेजिनरी चीज़ है. जिन्हें जिन्हें मैं पूछता हूँ कि आपको ड्राइविंग आती है, तो उनका कहना होता है कि मुझे ड्राइविंग जो आती है लेकिन मुझे डर लगता है. मुझे डर लगता है ट्रैफिक में कार चलाते वक्त, मुझे डर लगता है लेन चेंज करते वक्त, मुझे डर लगता है कोई बड़ी कार जो है मेरे सामने, बड़ी कार या फिर बड़ी ट्रक, बड़ी बस मेरे सामने आ जाए तो मुझे डर लगता है. हाईवे पर ड्राइविंग करते वक्त मुझे डर लगता है. ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना होता है. तो दोस्तों इसमें ध्यान देने की चीज यह है कि आपको ड्राइविंग करने में डर नहीं लग रहा है, तो आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में डर लग रहा है. किसी को ट्रैफिक में डर लग रहा है, किसी को लेन चेंज करने में डर लग रहा है, किसी को हाईवे पर डर लग रहा है, या फिर किसी को भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर चलाने को डर लग रहा है. दोस्तों जो फियर है, जो हमारा डर है, वो इमेजिनरी चीज़ है. हम कुछ तो इमेजिन कर लेते हैं और उसके बाद हमें डर लगता है. और जिस चीज़ में हमें डर नहीं लगता है, फॉर एग्जांपल एम्प्टी रोड पर कार चलाने में हमें डर नहीं लगता है. किसी किसी को डर नहीं लगता है एम्प्टी रोड पर कार चलाने में. वो बोल देते हैं कि एम्प्टी रोड पर जो कार है वो हम आराम से चला लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो दोस्तों ऐसे वक्त उन्होंने सोच लिया होता है कि एम्प्टी रोड पर मुझे कार चलानी आती है, और वो कॉन्फिडेंटली कार चला लेते हैं. और एक आध कार उनके पीछे से गुजर भी जाए तो उन्हें पता भी नहीं चलता और वो अपनी कार चलाते रहते हैं. तो वो जो फियर है वो कभी कभार हम खुद से मन में बिठा लेते हैं, उसकी वजह से हमें जो है डर लगते रहता है. और दोस्तों हमारा जो डर है, जैसे कि आपको पता होगा कि जिस चीज़ से हमें डर लगता है वो चीज़ अगर हम धीरे धीरे करते जाए तो उस चीज़ से हमें डर नहीं लगता है. डर ही क्यों, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ करने जा रहे हो, नई नई करते हो, तो हमें थोड़ा बहुत वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील होता है. तो और उसके बाद अगर हम करते जाए तो उसके बाद हम उस चीज़ में कंफर्टेबल हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल जिम ही लीजिए, अगर हम पहले 2-3 दिन जिम जाएंगे तो उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो पेन करने लगती है, और 2-3 दिन के बाद बॉडी पेन करने छोड़ देती है और हमें कुछ भी नहीं होता है. और या फिर अगर हम स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन देते थे पहले, तब हमें पहली बार डर लगता था क्योंकि सब नए होते थे, टीचर नहीं होती थी, सब दोस्त नहीं होते, तो ऐसे वक्त हमें डर लगता था. लेकिन धीरे धीरे जब हम बार बार प्रेजेंटेशन देने जाते थे तब हमारा जो डर है वो बिल्कुल ही गायब हो जाता था. तो दोस्तों वैसा ही हमें हमारे इन सिचुएशन के टाइम पर करना है. हमें डिसाइड कर लेना है कि हमें किन चीज़ में डर लग रहा है. ट्रैफिक में कार चलाते वक्त डर लग रहा है, लेन चेंज करते वक्त डर लग रहा है, या फिर बड़ी गाड़ियों से डर लग रहा है, या फिर हाईवे पर कार चलाते वक्त डर लग रहा है. तो ऐसी चीज़ें हमें डिसाइड कर लेनी है. और हमें डायरेक्टली, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ट्रैफिक से डर लग रहा है, तो आप एकदम से ट्रैफिक वाले रास्तों पर चले जाओगे तो वहाँ पर आपसे मिस्टेक होगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो हमें डायरेक्टली नहीं करना है कि लर्न टू टर्न वाले ने कहा था, जागरूक भाई ने कहा था कि हमें जो है वो जो चीज़ जिस चीज़ से हमें डर लगता है वो चीज़ करनी चाहिए, तो हमें जो है वो हमारा जो डर है वो निकल जाएगा. तो वैसा नहीं करना है. अगर हमें ट्रैफिक से डर लगता है तो हमें क्या करना है, जहाँ पर कम ट्रैफिक है, बहुत ही कम गाड़ियाँ आती है, 3-4 गाड़ियाँ आती है,
ऐसे रोड पर पहले ड्राइव करना है, और अगर और उस रोड पर डर चला जाने के बाद जहाँ पर थोड़ी बहुत और ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं उस रोड पर जाकर हमें ड्राइविंग करनी है, और उस रोड पर कभी अगर हमारा डर चला जाता है तो उसके बाद जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती है वहाँ पर जाकर हमें उसके बाद ड्राइविंग करना है। हमें स्टेप बाय स्टेप जाकर ड्राइविंग करना है और हमारा जो फियर है वो हटाना है। हम एकदम से ऊपर चले जाएंगे तो वैसे हमारा फियर उल्ट फियर जो है वो डर जो है वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमें ट्रैफिक से डर लगता है तो पहले हमें जहाँ पर जिस रोड पर कम ट्रैफिक है उस रोड पर जाकर हमें ड्राइविंग करनी है दोस्तों। तो अभी तो ऐसे रोड तो हम ढूंढने वाले नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमें कम ट्रैफिक चाहिए एकदम से कम तो हमें क्या करना है, सुबह के 7 या फिर 8 बजे, 7 से 8 के बीच में जाकर किसी भी रोड पर ड्राइव करना है, क्योंकि सुबह के वक्त गिने चुनी गाड़ियाँ होती है। और उसके बाद जो है वो हमें क्या करना है, उसके बाद जो हमारा टाइमिंग जो है वो बढ़ा देना है, उसके बाद हमें 10-11 बजे जाकर कार चलानी है, क्योंकि वहां पर गाड़ियां जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, और उसके बाद हमें दोपहर में नहीं बल्कि रात में जाकर कार चलानी है। तो ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप जाकर वो डर जो है वो हमारा कम करना है। अभी बात आती है लेन चेंजिंग की, तो वैसे ही हमें क्या करना है, जहां पर कम गाड़ियां रहती है उस रोड पर जाकर हमें जो है वो लेन चेंज करना है, और उसके बाद जो है वो जहाँ पर ज़्यादा गाड़ी है वहाँ पर जाकर हमें लेन चेंज करना है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ है वहाँ पर जाकर हमें लेन चेंज जो है वो करना है। हाईवे पर अगर आपको डर लगता है तो ऐसे वक्त हमें क्या करना है, हाईवे पर कार चलाना मुश्किल नहीं होता है, हाईवे पर आपको कोई दिक्कत नहीं देता, हाईवे को ज्वाइन करना हो और हाईवे से एग्जिट लेना ये दिक्कत भरा काम होता है। तो उस चीज़ के हमें प्रैक्टिस करनी है, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आप सिटी में ड्राइविंग कर रहे हो तो हमें हमेशा नॉर्मल जो लोग जिस स्पीड से ड्राइव कर रहे हो उस स्पीड से स्लो में ही ड्राइव करना है। जितना आप स्लो ड्राइव करेंगे उतना आप फास्टर सीख पाओगे, उतना आपको अपनी कार पहचानने में मदद होगी, कार की हरकत पहचानने में मदद होगी, उतना आपके पास टाइम भी रहेगा रिएक्ट होने के लिए, और उतने आपको ड्राइविंग की जो चीज़ें हैं वो पता चलने में मदद होगी। और दोस्तों इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा मदद करता है हमारा इमेजिनेशन। दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इमेजिन करते रहना है कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं इस सिचुएशन में, ड्राइविंग कर रहे हैं इस सिचुएशन से मुझे डर लगता है, इस सिचुएशन में ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं, सामने से कार आ रही है, मैं मेरी कार रोक रहा हूँ, ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, क्लच अप्लाई कर रहा हूँ, सिग्नल लेकर टर्न ले रहा हूँ, ऐसा हमें इमेजिन करते रहना है। जितना आप ज़्यादा इमेजिन करोगे उतने ही ज़्यादा आप धीरे धीरे जो है वो परफेक्ट होते जाओगे। इमेजिनेशन हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है हर एक चीज़ में। क्लच और एक्सीलेटर में आपको दिक्कत हो रही है, कार स्टार्टिंग करते वक्त दिक्कत हो रही है, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए एमटी रोड पर। घर में बैठे बैठे हमें अपने पाँव भी ऐसे ऐसे करते रहने हैं जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लच क्लच दबाया उसके बाद एक्सीलेटर पर पाँव नहीं होना चाहिए, क्लच रिलीज करेंगे तो एक्सीलेटर का पैर नीचे जाना चाहिए, ऐसे ऐसे हमें प्रैक्टिस करते रहना है, इमेजिन करते रहना है। जो चीज़ हमें जो जिस चीज़ से हमें डर लगता है उस चीज़ को हमें धीरे धीरे उस चीज़ का डर जो है वो हमें कम करते रहना है। इसके बजाय आपके पास कोई भी चारा नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक उस चीज़ के बारे में आपका जो डर है वो कम नहीं हो जाएगा। कोई बाबा आकर आपके ऊपर जादू कर आप ड्राइविंग नहीं सीख पाओगे, कोई आपको जड़ी बूटी नहीं देने वाला है, आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी वाली है। सबसे बेहतर टाइम रहता है ड्राइविंग करने का सुबह के वक्त, जब आपको टर्निंग टर्निंग के बारे में देखना है कि कैसा टर्न लेने पर कितनी स्टीयरिंग घुमाए, कैसे करें वैसे करें, तो पहले सुबह के वक्त प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे अपना टाइम जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आपको रेन में दिक्कत होती है, अगर आपको टनल में दिक्कत होती है, अगर आपको ब्रिज पर दिक्कत होती है, अगर आपको पूरे रास्तों पर दिक्कत होती है, तो ऐसे रास्तों पर ड्राइविंग कीजिए, ट्राई कीजिए, धीरे धीरे कर कर अपना जो डर है वो हटाते जाइए। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें होती है हमारे ड्राइविंग फेयर जो है, या फिर कोई भी चीज़ करते वक्त हमें अगर डर लग रहा है तो वो चीज़ हम धीरे धीरे करते जाएंगे तो हमारा डर चला जाएगा। अगर आप एकदम से चले जाओगे कि मुझे हाईएस्ट लेवल पर जाना है तो वैसा नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरे जो इस वीडियो से जो है वो मदद होगी होगी। अगर आपने मैंने जो आपको बताया वो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो जो है वो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाकर आप उन वीडियोस को जो है वो देख सकते हो। और दोस्तों हमेशा मैं आपको वही कहूंगा कि हमेशा ड्राइविंग करते वक्त ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, क्योंकि वो हमारे ही सेफ्टी के लिए होते हैं। हमेशा ड्राइविंग करते वक्त अलर्ट रहिए और अपने मोबाइल से दूर रहिए।